वेलकम टू माय चैनल क्रैक एग्जाम विद निकुन। आज हम बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है आईपीआर की ओर से, उसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जो आईपीआर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो टोटली बेस्ड ऑन बीएससी एग्जाम पे होने वाली है। जो बीएससी एग्जाम होने वाली है उसके साथ दो और पीएससी जुड़ चुके थे, हमने उसी वीडियो में देखा था। आप सब ने वो बीएससी का वीडियो नहीं देखा तो आप सब देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए। जो बीएससी की एग्जाम रहने वाली है उसमें आईपीआर और दूसरा जो है वो बीसीआईएल, दोनों पीएससी है, बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। वो बीएससी की एग्जाम के बेस पे ही हमें रिक्रूट करने वाले हैं, तो एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि वो हमारे इंजीनियर्स के लिए कि जो भी बीएससी एग्जाम क्रैक कर लेगा उसको आईपीआर और बीसीआईएल में भी जाने का मौका मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है बीएससी एग्जाम के साथ आईपीआर और बीसीआईएल का। तो अभी हम देखेंगे कि आईपीआर का पूरा डिटेल में देखेंगे कि कितनी वैकेंसी होने वाली है और किस तरह से वो रिक्रूट करने वाला है। तो इसी ही तरह अपडेट के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीआर के बारे में। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च की जो ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाले वो एक रहने वाली है। आप सब आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें कोई मेंशन नहीं किया होगा कितनी ब्रांच के कितने पोस्ट रहेंगे, टोटल पोस्ट दी गई है वो टोटल पोस्ट एक रहने वाली है। जैसे हमने बात किया कि जब बीआरसी की फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी एग्जाम क्रैक करेंगे उसी बेस पे आईपीआर भी सिलेक्ट करने वाले है, तो उसी तरह से ट्रेनिंग स्कीम मैंने एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो हमें आईपीआर में अप्लाई करना है ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, तो हमें बीआरसी ऑनलाइन एग्जाम डॉट इन वेबसाइट पे जाके हमें फॉर्म फिलअप करना रहेगा। एज क्वालिफिकेशन मोड ऑफ स्क्रीनिंग एंड अदर जनरल कंडीशन का जो क्राइटेरिया रहने वाला वो सेम रहने वाला है बीआरसी एग्जाम के, जो भी बीआरसी का जो क्राइटेरिया उसी तरह आईपीआर का भी सेम रहने वाला है। जो आईपीआर में हमारा सिलेक्शन होने वाला है वो बेस्ड ऑन बीआरसी के इंटरव्यू में जो मार्क्स आएगा उसी बेस पे हमारा सिलेक्शन आईपीआर में होने वाला है। और जब सिलेक्शन हो जाएगा ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पे, तभी हमारा जो पे स्केल रहने वाला है वो 56,100 रहने वाला है, वो तो बहुत ही बढ़िया पे स्केल रहने वाला है आईपीआर में भी, और अदर अलाउंस भी मिलने वाले हैं हमें। जो भी कैंडिडेट आईपीआर के लिए सिलेक्ट होगा वो सिर्फ आईपीआर के लिए ही अपॉइंट होगा, अदर डीए इंस्टीट्यूट के लिए अपॉइंटमेंट उसको दे नहीं जाएगी। इट मीन्स के जब भी आईपीआर का सिलेक्शन हमारा आईपीआर के एज ए ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर तरह के होता है तो हमें आईपीआर में ही वर्क करना रहेगा, अदर डीए इंस्टीट्यूट में हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज की बात कर ले तो जब हमें जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है वो उसकी वेबसाइट के बारे में बात कर ले तो www.brconlineexam.in पे जाके हमें हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना रहेगा। 7 अगस्त तक लास्ट डेट है हमारे बीआरसी की एग्जाम के लिए, तब तक हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है क्योंकि बीआरसी के साथ आईपीआर और बीसीआईएल दोनों ज्वाइंट होने वाली है, तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। मैंने बीआरसी के बारे में एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी वीडियो बनाया है, तो आप सब ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक रख दूंगा, आप सब वहां से देख के अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक ही एग्जाम के साथ हमें और दो पीएसयू मिलने वाला है, मीन्स 3 गवर्नमेंट जॉब एक ही एग्जाम से मिलेगी, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।